दोस्तों बिग बॉस 14 आज ऑडियंस से अलविदा कहने वाला है। आज की रात बिग बॉस 14 की आखिरी रात होगी, क्योंकि आज रात सलमान खान बिग बॉस 14 के विनर का ऐलान करने वाले हैं। विनर की घोषणा से पहले सभी सितारे अपनी डांस परफॉर्मेंस से ऑडियंस को काफी इम्प्रेस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले राहुल वैद्य और अली गौनी ने कर दिया है कुछ ऐसा काम कि आप भी जानकर हैरानी रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल वैद्य और अली गौनी दोस्ती की इस हद तक चले गए हैं कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर फिनाले से पहले क्या किया राहुल वैद्य और अली गौनी ने। वेल, आपको बता दें कि आज रात फिनाले से पहले अली गौनी और राहुल वैद्य अपनी दोस्ती की दास्तान सबको सुनाने वाले हैं। इस बात का सबूत है बिग बॉस 14 का लेटेस्ट प्रोमो। जी हां दोस्तों, आज रात को अली गौनी और राहुल वैद्य फिल्म शोले के गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। फिल्म शोले के इस गाने में अली गौनी और राहुल वैद्य जय वीरू की तरह मस्ती करते नजर आएंगे। वो बात अलग है कि इस गाने पर डांस करने के लिए अली गौनी और राहुल वैद्य को बिग बॉस 14 के घर से बाहर आना पड़ गया। जी हां दोस्तों, अपनी दोस्ती को निभाने के लिए और अपनी दोस्ती की दास्तान सबको सुनाने के लिए बिग बॉस के घर से फिनाले से पहले बाहर आ गए अली गौनी और राहुल वैद्य और शूट किया ये गाना। जी हाँ दोस्तों, आज रात आप देखेंगे कि फिनाले से ठीक पहले राहुल वैद्य और अली गौनी दुनिया को अपनी दोस्ती की दास्तान सुनाने के लिए बाइक पर शोले फिल्म के गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। और गाना पता है ना आपको कौन सा है? जी हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इसी गाने पर राहुल वैद्य और अली गौनी दोनों परफॉर्म करते नजर आएंगे। हम जानते हैं कि आज रात का आपको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आज रात 11 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर बिग बॉस 14 की ट्रॉफी किसके हाथ लगी है। अगर आप भी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीते हुए देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आखिर आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसको मिलनी चाहिए बिग बॉस 14 की ट्रॉफी।